Hello students, welcome in Fast Mind once again. Today we will discuss second exercise of real number. जैसा कि हमने डिटेल में all points को already discuss किया हुआ है, तो आगे हम question number one लेंगे, जो कि इसमें हमें क्या करना है कि आपका zeros find करना है. Zeros find करना basically nothing. It's like a factor. जैसा कि हमने स्टडी किया है क्लास नाइन्थ में, हाउ वी कैन फाइंड द फैक्टर. तो यहाँ पे हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट. यू कैन सी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट. तो यहाँ पर आपका माइनस टू आना चाहिए. एट के दो कोई ऐसे फैक्टर, एट के दो कोई ऐसे फैक्टर जिनका आपका जो एडिशन करने पर आए, एडिशन आपका आए माइनस टू माइनस एट का, और आपका प्रोडक्ट आया आपका माइनस एट. तो यहाँ पे आप देखेंगे फोर टू जा एट, तो माइनस का फोर इंटू टू इक्वल टू माइनस एट. और जब आप ऐड करेंगे, यदि ऐड करेंगे तो ये आपका एडिशन आएगा इक्वल टू आएगा माइनस फोर प्लस टू इक्वल टू माइनस टू. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमने इसका एक दो फैक्टर कर दिए, जो कि आपका आया x माइनस फोर एंड x प्लस टू. यहाँ से आप ऐसे करके आपको क्वेश्चन कर लेंगे इसका. जब आप करेंगे तो ये जाएगा x स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस एट, और इसको आप पेयरिंग कर लेंगे दिस वन एंड दिस वन, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये आपका आ जाएगा. तो यहाँ पर जब हम ये जो फैक्टर आते हैं, इनको हम किसके इक्वल पुट करते हैं, इनको पुट करते हैं इक्वल जीरो के. यदि x माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा, या तो यदि इक्वल टू जीरो लेंगे तो या तो ये जीरो होगा या तो फिर ये जीरो होगा. तो इफ दिस इक्वल टू जीरो देन x माइनस फोर इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू फोर. तो दैट वैल्यू विल बी जीरो. इट इज पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ x, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. इट विल बी जीरो एट x इक्वल टू फोर. यदि x की वैल्यू फोर रखेंगे देन इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी. अब इसी को आप देखते हुए, ये हमने कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये आपका, और यहां पर आप जो है इसको नीचे देखेंगे कि इनकी प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम ऑफ जीरो. सम ऑफ जीरो में आपको मालूम होगा, सम ऑफ जीरो में हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरो में दोनों जीरोज की वैल्यू को हम ऐड करते हैं. ऐड करने के लिए सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये होती है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो इसमें जब हम रखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ए क्या है ये रहा, बी क्या है ये रहा, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं. ये आपका हो गया फोर प्लस माइनस टू, तो फोर प्लस माइनस टू दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा. और यदि यहाँ पर रखें हम माइनस टू या माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर आप वैल्यू रखें तो यहाँ पर वैल्यू क्या थी आपकी, माइनस टू. तो माइनस माइनस टू अपॉन कितना आएगा, ए कितना है, ए है आपका वन, तो ये जाएगा माइनस टू आ गया आंसर. तो सेम हो गया दोनों में. तो इसी तरीके से आप इसका सम एंड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. प्रोडक्ट में होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. तो सी अपॉन ए दैट मीन्स आपका माइनस एट अपॉन ए, ए क्या है वन, तो माइनस एट आना चाहिए. आप करके देख लो, माइनस टू इंटू फोर इक्वल टू माइनस एट, सेम है कंडीशन. कोई डाउट है, यदि कोई डाउट है देन आप कमेंट में क्वेश्चन अपना पुट कर सकते हैं, अगेन आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं हमसे. इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.2 एनसीईआरटी से हम लेंगे, जो कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, 140 है. एक्सप्रेस ईच एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए यदि हम इसको सोल्व करें तो आप देख सकते हैं एक पार्ट हम करेंगे, बाकी आपको करने हैं. वैसे तो हमने सॉल्यूशन सभी के दिए, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से करें. पहले तो सबसे अच्छा है कि आप खुद से करें, देन आप उसको मैच करें. यदि आपका मैच होता है देन वेरी गुड. तो यहाँ पे हमने लिया 140, आपने ले लिया. तो 140 को इसने क्या बोला, इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो हम इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे. जैसे
यहाँ से निकाला, ये आपका, ये तो आपका सिक्स में आपने स्टडी किया था, वही आपको यहाँ पे रिवाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 7 14 एंड 0, फिर 2 से किया 35। अब 35 किससे जाएगा, कोई नंबर छोटे से छोटा, यहाँ पे आपका छोटे छोटा नंबर आ जाता है 5 7 जा 35, फिर 7 से करेंगे तो 1 आ जाता है। तो फैक्टर क्या हो गए, 140, दैट इज इक्वल टू हो गया 2 × 2 × 5 × 7, दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो दीज आर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्लियर, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभी ये बाकी जो चार पार्ट है ये खुद से करेंगे आप, और यदि कोई डाउट है तो मैंने अभी आपको बताया कि आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट करके क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। तो ये हमने अब यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो मैंने अभी बोला था कि आपको टोटल सॉल्यूशन दिए हैं, टोटल सॉल्यूशन यहाँ पे आप 1 by 1 चेक कर सकते हैं, यदि आपके मैच होते हैं देन यू लर्न वेरी वेल, तरीके से आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट टोटल थे, अभी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिएगा, हमने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, हमने टोटल अपना 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा है एलसीएम निकालना। तो कोई भी नंबर यदि आप ले लें तो हम इससे आपको इसको कर सकते हैं, जैसे कि हमें दिया है कि N1 इक्वल टू है आपका 26, N2 आपका है 91। अब हम क्या करते हैं, इनका HCF निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे HCF, HCF निकालने के लिए क्या करेंगे 26 और इधर आपका आ जाएगा 91। 91 और 26 में कुछ कॉमन है, कोई HCF है इसका बता सकते हैं, 13 इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर है 13, 13 टू जा 26, 13 7 जा 91, सॉरी। तो ये आपके दो आ गए, तो इसका HCF तो हुआ आपका, HCF हुआ आपका 13। एंड LCM यदि निकालना पड़े तो यहाँ पे LCM हो जाएगा इसका 13 × 2 × 7, तो ये हो जाएगा आपका 91 टू जा 91 टू जा हो जाएगा ये 182। क्लियर, तो अभी देखिएगा 13 × 92 182 इक्वल टू होगा 26 × 91। यू कैन चेक इन दी प्रोडक्ट ऑफ दीज एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज बोथ आर इक्वल। क्लियर, तो ये हमें इसमें सिंप्लीफाई करके दिखाना है, इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं है, आप इजिली इसको सोल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ ये जो बाकी के पार्ट हैं, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3, ये सेल्फ आप ट्राई करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वैसे सॉल्यूशन हमने इसमें गिवन है, आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा आपका 26, 91 का हमने कंप्लीट किया हुआ है, सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और उसी के बाद आपका हमने ये देखिएगा, ये सेकंड पार्ट आपका पूरा चेक करने के लिए दिया हुआ है, और इसका आंसर आप मैच कर सकते हो। देखिएगा 13 × 182 और 26 × 91 दैट इज इक्वल टू 2366। क्लियर, तो इसमें कोई भी ऐसी डाउट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी इसमें दिया हुआ है, बट मैं यही कहूंगा कि आप अपने आप से पहले ट्राई करें, उसके बाद ही इस पे चेक करें, ना कि इससे ट्राई करने के, आप अपनी वीडियो स्टॉप करें और उसके बाद खुद से ट्राई करें। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको तीनों का ही निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। वो आपको अच्छे से आता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। वैसे 12, 15 एंड 21 आपको नंबर गिवन है, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालेंगे 2, 6, 15, 21 बी 2, 3, 15 एंड 21, अब आका है 3, 1, 5 एंड 7, तो ये नंबर आ गए। और इसके बाद आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या होंगे, इन सभी का मल्टीप्लीकेशन, इन सभी का मल्टीप्लीकेशन आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आप ट्राई करें और
ट्राई, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे इसका आंसर ले सकते हैं। अभी आते हैं एक्सरसाइज 1.2 का, एनसीईआरटी से सॉल्यूशन नंबर 3, जो कि आपको गिवन है। अभी हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, आपका सारा सॉल्यूशन हमने दिया हुआ है, बट मैं फिर से अगेन आपको यही रिपीट करता रहूँ बार बार कि आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये आप अच्छे से स्लोगन को याद कर लें और अपना साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते जाएं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन 4 में क्या है कि आपको गिवन है HCF, गिवन है आपको क्या गिवन है HCF, HCF कितना है, HCF आपको गिवन है 9, और आपको गिवन है LCM, LCM कितना है, LCM आपको फाइंड करना है, LCM आपको गिवन नहीं है, फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि N1 नंबर 1 इंटू N2 इक्वल टू होता है आपका HCF इंटू LCM, इसमें आप सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर देंगे तो आपके पास हो गया 306 इंटू 657 इक्वल टू होगा किसके, 9 इंटू LCM के, LCM के। और इसको आप, जब आपको LCM निकालना होगा तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई हाउ मच, डिवाइडेड बाई 9, और जो भी आपका सोल्यूशन आएगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में वैसे इसका आंसर हमने डिस्कस किया हुआ है, यू कैन सी। और इसी के साथ हम नेक्स्ट इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं एक बार और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे आपको गिवन है LCM N1 into N2 equal to LCM into HCF, जो कि आपको गिवन है, इसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपका N1 306 है, N2 आपका 657 है, HCF है 9, तो LCM into 9 equal to 306 into 657, LCM equal to 306 into 657 upon 9, ये थोड़ा नीचे चला गया है, दैट इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये जो है ये आपका, ये है, ये जो है आपका LCM इक्वल टू दिस वन इक्वल टू क्या है, ये इतना है, तो ये हो जाएगा आपका 306 इंटू 657 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 2238। दिस इज आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.2 से। तो यहाँ हमें क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि चेक वेदर 6 to power n, ये 6n आपको दिखाई दे रहा है, ये 6n नहीं है, राइटिंग प्रॉब्लम है, तो ये आपको देख सकते 6 to power n है। एंड इसका यदि हम इसको एक्सपेंड करें तो इसका एंड होगा किससे, विद द डिजिट ऑफ डिजिट 0, ये है 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, क्या ऐसा होगा। देखिएगा यदि n, इफ n इक्वल टू 5 इंटू मल्टीपल ऑफ 2 है, देन इट विल बी पॉसिबल, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। ये एक थ्योरम होती है और इस थ्योरम को हम नेक्स्ट उसमें स्लाइड में आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और ये आपका आ गया नेक्स्ट स्लाइड, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम बोलते हैं कि आपका इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, एंड विद द डिजिट 0, देन इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 और इन टर्म ऑफ 10, यानी कि 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, यदि इंस्टेड इन टर्म से आप डिवाइड है, देन उसका अदर वर्ड्स वी कैन से कि यदि डिविजिबल है बाय 2 एंड 5 बोथ एज 10, 10 के मल्टीपल में है 2 into 5, देन आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसका। तो प्राइम फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 to power n इक्वल टू होगा 2 into 3, क्या होगा 6 to power n इक्वल टू होगा 2 into 3, जो कि
स्लाइड ऊपर नीचे हो गया है, मैथमेटिकल टाइपिंग है, इसको देख सकते हैं। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू पावर n इक्वल 2 इंटू 3 की पावर n है, जो कि 5 इंटू 2 की पावर n नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे 6 टू पावर n, यहाँ पे 6 टू पावर n यहाँ से कट कर देंगे। हैंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ 6 टू पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5, therefore 6 to power n cannot end with the digit of 0 for any natural number. So 6 to power n never end with digit 0. Clear? तो इस तरह से हम इसको explain करेंगे। अभी हम चलते हैं next video पे, next आपका question पे, जो कि आपका ये है question number 6, एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें आपको क्या पूछा गया है, इसमें आप एक बार इसे अच्छे से रीड कर लें। इसमें बोला गया है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ऐसे कंपोजिट नंबर क्यों बोला जाता है, इसको क्यों बोला जाता है, वाई कंडीशन है, क्यों बोला जाता है ऐसे, भाई ये कम है या नहीं है, या फिर बोल सकते हैं इज, इसी क्वेश्चन को बोल सकते हैं इज दिस ए कंपोजिट नंबर, किसी तरह भी बोल सकते हैं। तो यहां पे आपका आंसर होगा इसको सॉल्यूशन करने के लिए, यस तो है, ये मल्टीपल में है, आप चेक कर सकते हो। देखिए यहां पे 13 यदि मैं ले लेता हूं कॉमन, तो आपके पास हो जाता है 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, इसमें मैंने पहले 13 लिया और फिर उसको पूरा कंप्लीट ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका, और इधर हो जाएगा एंड इधर हो जाएगा। यदि मैं 7 आपका कॉमन ले लेता हूँ, किसको, ये आपका 5 को, यदि मैं 5 को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 को मैं यदि ले लूंगा, 5 प्लस 5 को, तो ये जाएगा 5 कॉमन लेके 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है, 5 के मल्टीपल में हुआ और ये भी 7 के मल्टीपल हो जाएगा, 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 2, तो यहाँ पे भी कंपोजिट नंबर, विच नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर दैट इज कंपोजिट नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको बोलेंगे कि इट इज ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट स्लाइड में आप इसका सॉल्यूशन एज ए डिजिटल आप देख सकते हैं। तो ये आपका गिवन है, यहाँ पे आप देखिएगा ये दिया हुआ है 77 प्लस 11 के फॉर्म में दिया है, यहाँ पे ये देखिएगा, ये आप क्लियरली देख पा रहे हैं 13 इंटू 6 की फॉर्म हो गया, ये 7 इंटू 6 इंटू 5, यहाँ पे आप 5 को मल्टीप्लाई करिए, इसको टोटल को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे आपका मोर देन टू फैक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं, तो देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 एंड इट हैज बी ए कंपोजिट नंबर। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहां पे आपका है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेकन 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? तो हम क्या करेंगे, हम इसका LCM find करेंगे या फिर HCF find करेंगे। आप पहले इस बात को अच्छे से सोचो कि क्या हमें क्या करना चाहिए, LCM या HCF। तो हम इस question में करेंगे ये कि हम दोनों का निकालेंगे एलसीएम, हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकाल के हम इनको जो भी एलसीएम आएगा उन जो मिनट्स हैं वे उन मिनट्स को हम बोलेंगे कि इतने टाइम में ये इसका दोनों मिल जाएंगे। आपने देखा होगा यही क्वेश्चन आपका कई जगह पूछा जाता है कि आपका यदि कोई रेड लाइट है, इतना इतना टाइमिंग का गैप है,
और उसको कितने टाइम में ये कंप्लीट करेंगे, दोनों लाइटें कितने टाइम में ये कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पे अक्सर बनते रहते हैं और इन्हें हम अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 का एंड होता है और आई होप कि आप अच्छे से क्लियर हो पाया होगा आप लोगों को। चलिए आप इसे ध्यान से करेंगे। थैंक यू सो मच।